नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खास खबर बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ में जयति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं देश और राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर एक फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर के मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा है और सबसे ज्यादा अमेरिका के सामने उठा रहा है, लेकिन इमरान खान की उम्मीदों को हर बार झटका लगा है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पाकिस्तान को झटका दिया। ट्रंप ने इमरान के सामने नरेंद्र मोदी की तारीफ की और भारत से संबंधों को शानदार बताया। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। हाल ही में कांग्रेस ने बीएसपी के सभी 6 विधायकों को कांग्रेस का दमन थाम लिया था। गौरतलब है कि 2018 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 99 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 73 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि नतीजों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन पूर्ण बहुमत से एक सीट कम रह गई। ब्यावर रोड रामगंज स्थित दयानंद कॉलेज में सोमवार को छात्र संघ अध्यक्ष सीताराम चौधरी और कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा के बीच में कहासुनी के बाद में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस वीडियो में प्रिंसिपल के हाथों थप्पड़ खाने के बाद में छात्र संघ अध्यक्ष भी थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच में हुई इस मारपीट के बाद में देर शाम दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रामगंज थाने में FIR दर्ज कराए। राजस्थान भर के जिलों में सोमवार को जल उपयोगिता संगठन के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। इसी क्रम में चक 28 PBN के सरकारी स्कूल में बने हुए बूथ संख्या 96 पर सुबह 8 बजे से 5 बजे तक वोट डाले गए। इस बूथ पर करीब 1400 वोट थे, जिसमें से 949 वोट पड़े। आपको बता दें कि वीके संख्या 145 पर दो प्रत्याशी पद के दावेदार थे। चक 26 PBN से विजय सहारण तथा चक 28 PBN से केशु भादु दोनों प्रत्याशियों में कांटे का मुकाबला हुआ। चुनाव प्रचार प्रसार में दोनों प्रत्याशियों ने खूब जान फूंकी। अंततः सोमवार 5 बजे कुल वोट में से 949 वोट डाले गए, जिसमें वोट की गिनती में विजय सहारण को 126 वोट के अंतर से विजयी घोषित किया गया। सूरतगढ़ शहर में सोमवार रात्रि को महान संत ताजुराम जी भाटिया की 7वीं पुण्यतिथि और उनके पुत्र परसराम भाटिया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कृष्णा भाटिया ने अपने निवास स्थान पर एक विशाल सत्संग और लंगर भंडारे का आयोजन किया। जिसमें संत पूर्ण राम मेहरडा की भजन मंडली द्वारा गुरु यस भजन प्रस्तुत किए गए। भाटिया परिवार ने ताजुराम जी भाटिया के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। अहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित क्षेत्र के पशुपालकों की सुध लेने मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां राजस्थान के गडरियों के करीब 1500 भेड़ बकरिया बीमारी के कारण मर गई। ये बात स्थानीय विधायक छगन सिंह को मालूम हुई। इस पर तुरंत अपने क्षेत्र के पशुपालकों की सुध लेने मध्य प्रदेश पहुंचे और उनकी स्थिति का जायजा लिया। मध्य प्रदेश की मीडिया से रूबरू होते हुए MP के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से पशुपालकों को उचित मुआवजा दिलवाने की बात कही। सियाना के निकट बीबलसर ग्राम पंचायत में आम रास्ते पर अवैध कब्जे से JCB की सहायता में पटवारी ग्राम सेवक बागरा थाना पुलिस तथा तहसीलदार की मौजूदगी से हटाया गया। ये रास्ता गांव के आम चौटे से होते हुए जालौर भीमबाल मुख्य मार्ग पर बाहर निकलता है। जोधपुर में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 128वीं जयंती वर्ष पर तृतीय राज्य स्तरीय भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार सम्मान समारोह और फूले अम्बेडकर पत्रिका का विमोचन कार्यक्रम सूचना केंद्र के मिनी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। आयोजककर्ता और राष्ट्रीय दलित महासंघ के संयोजक विक्रम जाटिया ने बताया कि पत्रकार साहित्य और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है।
समता साहित्य अकादमी जोधपुर के जिलाध्यक्ष विक्रम चाटिया ने बताया कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता JNVU के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर किशोरी लाल रैगर मुख्य अतिथि, शहर विधायक मनीषा पवार विशिष्ट अतिथि, पूर्व संभागीय आयुक्त से प्रतिभा को सम्मानित किया। भीलवाड़ा शहर के शाहपुरा के पत्रकार मूलचंद पेशवानी को भीलवाड़ा प्रेस क्लब अध्यक्ष सुखपाल जाट ने 23 सितंबर को सोमवार को एक आदेश जारी करके प्रेस क्लब की नवीन कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए प्रेस क्लब में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। प्रेस क्लब भवन में अध्यक्ष चार्ट में महासचिव राकेश बैठानी ने नियुक्ति पत्र पेशवानी को सौंपा। इस मौके पर प्रेस क्लब अध्यक्ष चार्ट ने कहा कि कार्यकारिणी के अन्य पदों पर भी शीघ्र ही मनोनयन का नियुक्ति की जाएगी। अपने नियुक्ति पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष प्रकाश अपलोत का आभार ज्ञापित करते हुए पेशवानी ने कहा कि प्रेस क्लब को चाहिए प्रदान करते हुए पत्रकार हितों के लिए काम किया जाएगा। सायला उपखंड के मुख्यालय पर खेल मैदान में सोमवार को रावना राजपूत महासभा और युवा महासभा के द्वारा महामंडलेश्वर संतोष भारती महाराज के सानिध्य में हैफा हीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत देवली के 101वें बलिदान दिवस समारोह